एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर. हमें किसी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर और इस सिलेंडर का हाइट यहाँ पर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर स्क्वेयर और इसका डायमीटर हमें फाइंड करना है. हमें मालूम है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमें मिलता है 2πRh. ये हमने पढ़ा है सिलेंडर के केस में. हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम है, दिस इज 88. 2π की वैल्यू 22/7. आर हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद डायमीटर फाइंड करेंगे. हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर. सॉल्व करेंगे, यहाँ से 7 से ये 14 कैंसिल हो गया और आर हमें मिल जाएगा 88 अपॉन दिस टू टर्म्स 2 × 22 × 2. तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें रेडियस मिला है, हमें फाइंड करना है डायमीटर. डायमीटर इज 2 × रेडियस, तो ये हो जाएगा 2 × 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर. तो जो हमें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, उस सिलेंडर के बेस का डायमीटर कितना होगा? 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को हम इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट. हाउ मेनी स्क्वेयर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. हमें गिवन है कि कोई सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है और इस टैंक के लिए कितना स्टील रिक्वायर्ड है, ये हमें फाइंड करने हैं. टैंक का डायमेंशन हमें गिवन है, तो शीट हमें फाइंड करना है, मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा क्योंकि उसमें बॉटम और टॉप के हमें हिस्सों का भी एरिया फाइंड करना होगा. हमें यहाँ पर गिवन है हाइट, हाइट इज 1 मीटर एंड हमें यहाँ पर डायमीटर गिवन है डी. डायमीटर की वैल्यू गिवन है 140 सेंटीमीटर. अगर हम इसे मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1.4 मीटर. ठीक है, ये डायमीटर है. अगर हम रेडियस फाइंड करते हैं, रेडियस इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.7 मीटर्स. तो रेडियस हमें मिल गया. हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हमें क्या मिलता है, 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h. यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि टोटल सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितना स्टील रिक्वायर्ड है, हमें वो पता करना है. वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 22/7. रेडियस की वैल्यू है 0.7, दिस इज 0.7 प्लस हाइट हमें गिवन है 1 मीटर. इस तरह से ये हमें मिल गया. मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 22 = 44 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल गया 0.1 × 0.1 × 0.7 + 1 = 1.7. तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 7.48 मीटर स्क्वेयर. मतलब इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए हमें 7.48 मीटर स्क्वेयर स्टील की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स इनर कर्व एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. हमें यहाँ पर कोई सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी हाइट हमें गिवन है 77 सेंटीमीटर. जो सिलेंडर है वो इस तरह से है,
इसका ये मान लीजिए कि ये इनर पार्ट है और इस सिलेंडर का इस तरह से एक आउटर डायमीटर है, लाइक दिस, इस तरह से. और हमें गिवन है कि ये जो इनर है डायमीटर, ये इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और जो आउटर डायमीटर है इसकी वैल्यू है 4.4 सेंटीमीटर. हमें इसका पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो जो फर्स्ट पार्ट है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे हमें फाइंड करना है. तो ये बहुत ही आसान है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, 2πRH. ओके, यहाँ पर हाइट दोनों की सेम रहेगी, तो हाइट यहाँ से हमने पुट कर दी 77 और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हमें मालूम है डायमीटर बाई 2. इनर डायम, हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हम इनर डायमीटर से रेडियस फाइंड करेंगे. इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो इस कंडीशन पर ये इनर रेडियस क्या हो जाएगा, इनर रेडियस को सपोज हम स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं और आउटर रेडियस को हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस हमें मिल जाएगा 2.2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर R की प्लेस पे हम पुट करते हैं 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं. अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये 7 से कैंसिल हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वेयर. और 968 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया. तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमारा रेडियस क्या होगा, 2.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 2 × 22/7. इस फॉर्मूले के बेसिस पर हाइट इज 77 एंड रेडियस इज नाउ 2.2 सेंटीमीटर. इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर. तो ये हमें मिल गया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे सॉल्व करके हमने फाइंड कर लिया. अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. थर्ड पार्ट इज टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम अगर इनर और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर दें तो उस कंडीशन पर क्या हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, तो आंसर है नो. क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इनर में हमें ये इसका जमान लीजिए एक ये है और इसे हमने इस तरह से सर्कल बनाया है, ठीक है, और इसके अंदर एक और इस तरह से पेपर है और ये दोनों इस तरह से बने हुए हैं. तो जब हमने इनर फाइंड किया तो इस पेपर का हमें टोटल इतना मिला और जब हमने आउटर फाइंड किया तो इसका हमें एरिया मिल गया. पर अभी हमें इसका यहाँ पर जो 2 सर्कुलर एरिया बनेंगे यहाँ पर से, उसका हमें नहीं मिला है, ठीक है. तो हम यहाँ से करते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसे हम लिख सकते हैं इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर रिंग प्लस एरिया ऑफ लोअर रिंग. अब हम इसे अलग अलग क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा. अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा. ये इनर है जिसका रेडियस है 2 और ये आउटर सर्कल है जिसका रेडियस है 2.2. तो हमें इसका ये बाहर पार्ट, इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तभी हमें टोटल
सरफेस एरिया मिल पाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम इनर आउटर दोनों को ऐड करते हैं। तो इनर कर्व सरफेस एरिया कितना है, दिस इज 968, आउटर कर्व सरफेस एरिया है 1064.8। एंड अपर रिंग और लोअर रिंग के एरिया हमें क्या मिल जाएंगे, तो रिंग मतलब ये सर्कल है और सर्कल का एरिया दिस ये आउटर का है और ये इनर का है। ओके, तो हम जब इन्हें ऐड करते हैं हमें इस पार्ट का चाहिए तो हम इसे लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इनके एरिया दोनों के हमें सेम मिलेंगे क्योंकि इनका हाइट सेम है और रेडियस अपर पार्ट का रेडियस लोअर पार्ट का रेडियस एक समान है, तो इसलिए मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो गया 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इन ब्रैकेट 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। इन सभी को सॉल्व करते हैं तो ये हमें इस तरह से मिल गया। यहाँ पर इनका इसे सॉल्व करने से ये हमें मिल गया 2.64 और ये 2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें इसका टोटल सरफेस एरिया मिल रहा है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वेयर। हमें किसी सिलेंडर का डायमेंशन गिवन है, हमें गिवन है कि उसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें डायमीटर गिवन है तो हम पहले यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस हमें मिल जाएगा डायमीटर बाय 2, दैट इज़ 42 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए ये सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसे किसी प्लेन ग्राउंड पे जब इस तरह से घुमाया जाता है ग्राउंड को लेवल करने के लिए, तो ये इस तरह से एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है और इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाता है और टोटल 500 रिवॉल्यूशंस करने से वो प्लेग्राउंड कंप्लीट लेवल हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि उस प्लेग्राउंड का एरिया कितना है जिसके लिए 500 रिवॉल्यूशंस कराने पड़ रहे हैं। अब अगर इसे हम इस तरह से रोल करते हैं तो बताइए हमें कौन सा एरिया मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो जब हम इसे इस तरह से रिवॉल्व कराते हैं तो इस कंडीशन पर इस पार्ट का और इस पार्ट का कोई रोल नहीं है, केवल इतने पार्ट का रोल है एंड दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस केस में हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दिस इज 2πr(h). वैल्यूज पुट करते हैं 2 × 22/7, आर की वैल्यू है यहाँ पर 42 एंड हाइट इज 120। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 31,680 और सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमें जब हम उस सिलेंडर को वन टाइम रोटेट करेंगे तो हमें उस ग्राउंड का इतना एरिया कवर्ड मिलेगा, पर हमें टोटल 500 रिवॉल्यूशंस कराने हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इज 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया कवर्ड इन 500 revolutions is 31,680 multiplication with 500, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा
1,58,40,000, तो ये हमें अभी मिल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें ग्राउंड का एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। हमें मालूम है 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर इस 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। सो 1,58,40,000 इज इक्वल टू 1,584 मीटर स्क्वायर। इस कंडीशन पर हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 1,584 मीटर स्क्वायर। तो उस प्लेग्राउंड का एरिया जिसमें सिलेंडर को रोटेट करना है, उस प्लेग्राउंड का एरिया हमें मिल रहा है 1,584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। हमें किसी पिलर का डायमेंशन गिवन है, हमें गिवन है कि उस पिलर का डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 3.5 मीटर। तो हाइट मीटर्स में गिवन है और डायमीटर सेंटीमीटर में गिवन है। तो पहले दोनों को एक डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 50 सेंटीमीटर कितना मिलता है, 0.5 मीटर, ओके। अब अगर हम यहाँ से रेडियस फाइंड करते हैं तो रेडियस हमें मिलता है डायमीटर बाय 2, दैट इज़ 0.5 / 2, ये हमें मिल गया 0.25 मीटर्स। तो रेडियस हमें 0.25 मीटर्स मिल गया, हाइट हमें गिवन है, तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने के चार्जेस हमें फाइंड करने हैं। तो सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.25, हाइट हमें गिवन है 3.5, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर, ओके। तो उस पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिल रहा है 5.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में कि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने का चार्ज है 12.50 रुपीज़, तो टोटल 5.5 मीटर स्क्वायर में कितने चार्जेस होंगे। तो हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। हम यहाँ से लिख सकते हैं चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज 12.50 रुपीज़, सो फॉर 5.5 मीटर स्क्वायर ये हमें मिल जाएगा 5.5 × 12.50। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से ये हमें मिल जाएगा 68.75 रुपीज़। मतलब 1 पिलर को पेंट करने का चार्ज हमें कितना मिल गया, 68.75 रुपीज़, ठीक है। तो इसे इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर्स, देन फाइंड इट्स हाइट। ये बहुत सिंपल है, हमें गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज 4.4 मीटर स्क्वायर और हमें रेडियस गिवन है 0.7 मीटर्स। हमें हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें मालूम है कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πRh। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 4.4 और यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, रेडियस हमें गिवन है 0.7, हाइट हमें फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट हमें मिल गया
4.4 into 7 divided by this is 44 into 0.7 सॉल्व करिएगा, ये हमें मिल जाएगा 1 meter. मतलब उस सिलेंडर की हाइट हमें कितनी मिल गई, 1 meter. और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी. अब इसके बाद हम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं. 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 meter एंड इट इज 10 meter डीप. फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट रेट ऑफ 40 rupees per meter square. हमें किसी वेल का इनर डायमीटर यहाँ पर गिवन है, तो हमें इसका इनर डायमीटर ये गिवन है 3.5 meter और हमें इसकी हाइट गिवन है 40 meter. हमें गिवन है कि ये जो वेल है वो 10 meter. ये गिवन है 10 meter. हमें गिवन है कि ये जो वेल है वो 10 meters गहरा है. एज्यूम करेंगे तो वेल हमें सिलेंड्रिकल शेप में मिलता है और इसकी गहराई मींस अगर हम कहें सिलेंडर की हाइट, और डायमीटर हमें गिवन है तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं डायमीटर बाय 2 करके. ये हमें मिल जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर. अब हमें इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिलता है 2πRh. वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस इज 3.5/2 एंड हाइट हमें गिवन है 10. तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा, 7 से 3.5 कैंसिल करेंगे, ये मिल गया 0.5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 110 meter square. मतलब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया उस वेल का हमें कितना मिल गया, 110 meter square. ठीक है, तो इसे इस तरह से कर सकते हैं. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है कि इस वेल में प्लास्टरिंग करनी है, तो इस वेल में 40 rupees per meter square की दर से प्लास्टरिंग करने का चार्ज कितना होगा. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 meter square इज 40 rupees. सो फॉर 110 meter square इज 40 × 110, दैट इज 4400 rupees. ठीक है, क्योंकि वेल में प्लास्टरिंग करना है मतलब उसके इनर कर्ड पार्ट को प्लास्टर करना है और उसका 1 meter square का चार्ज है 40 rupees, तो टोटल इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का चार्ज होगा 4400 rupees. तो इसे इस तरह से कर सकते हैं. इसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं. 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 meter एंड डायमीटर 5 centimeter. फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम. हमें यहाँ पर गिवन है कि कोई हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, तो वाटर हीटिंग सिस्टम में एक पाइप है जिसकी लेंथ 28 मीटर्स है और डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर है. उसमें रेडिएटिंग पार्ट मतलब जो हीटिंग पार्ट है वो हमें फाइंड करना है. तो सिंपल लैंग्वेजेस में कहें तो सिंपल लैंग्वेज में हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो यहाँ पर हाइट हमें गिवन है 28 meter और डायमीटर हमें यहाँ पर गिवन है 5 centimeter. तो पहले डायमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.05 meters. वी नो दैट 1 meter इज 100 centimeter, तो 5 centimeter कितना होगा, 0.05 meters. अब ये तो डायमीटर है, अगर हम रेडियस फाइंड करें, रेडियस इज डायमीटर बाई 2, दैट इज 0.05 डिवाइडेड बाई 2. ये हमें रेडियस मिल गया.
अब हम फाइंड करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज 2 पाई आर एंड एच. तो यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, रेडियस इज 0.05 बाई 2 एंड हाइट इज 28. यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, 7 से ये कैंसिल हो गया और ये हमें इस तरह से मिल गया. तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4.4 मीटर स्क्वेयर. तो यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिल गया 4.4 मीटर स्क्वेयर. एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज नथिंग बट हीटिंग सिस्टम, हीटिंग एरिया, और हीटिंग एरिया ही हमें फाइंड करना था. तो हीटिंग एरिया हमें मिल गया 4.4 मीटर स्क्वेयर. अब इसके बाद हम 9th क्वेश्चन देखते हैं. 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट. हमें दिया हुआ है कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करनी है. हमें हाइट गिवन है 4.5 मीटर, डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर. यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं डायमीटर बाई 2 करके, दिस इज 4.2 अपॉन 2, दिस इज 2.1 मीटर. रेडियस हमें मिल गया. अब हम फाइंड कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दिस इज 2 पाई आर एंड एच. वैल्यूज पुट करेंगे, पाई इज 22/7, रेडियस इज 2.1 एंड हाइट इज 4.5. मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से ये हमें मिल जाएगा 59.4 मीटर स्क्वेयर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिल गया 59.4 मीटर स्क्वेयर. ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक. हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर 1/12 पार्ट स्टील जो हम यूज़ कर रहे हैं उस स्टील की क्वांटिटी का 1/12 पार्ट वेस्ट जाता है तो वो क्वांटिटी स्टील की हमें फाइंड करनी है जो यूज़ की जाती है. तो सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील यूज्ड इज एक्स मीटर. एक्स मीटर स्टील यूज होता है तो वेस्ट पार्ट कितना हो जाएगा. हमें गिवन है 1/12 टोटल क्वांटिटी का 1/12 पार्ट वेस्ट होता है तो वेस्ट पार्ट हो जाएगा 1/12 इंटू एक्स. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें यूज्ड पार्ट कि कितना पार्ट स्टील का यूज़ हुआ तो ये हमें मिल जाएगा एक्स माइनस 1/12 इंटू एक्स. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 11/12 इंटू एक्स. तो टोटल क्वांटिटी हमने अज्यूम की है कि एक्स मीटर यूज़ होती है उस स्टील टैंक को बनाने में और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1/12 पार्ट टोटल क्वांटिटी का 1/12 पार्ट वेस्ट होता है तो वेस्ट पार्ट हमने फाइंड कर लिया और उसके बाद यूज्ड पार्ट हमने फाइंड कर लिया तो 11/12 इंटू एक्स पार्ट यूज़ होता है. अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि कितना स्टील यूज़ होगा तो बाय क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं. यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 11/12 इंटू एक्स इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया. ये हमें कैसे मिला, ये हमने क्वांटिटी फाइंड करी है जितना स्टील टैंक को बनाने में यूज़ हुआ है और टैंक को बनाने के लिए जो स्टील यूज़ होगा वो केवल कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होगा क्योंकि अगर हमें टैंक बनाना है तो उसका बॉटम पार्ट और उसका टॉप पार्ट दैट इज़ ढक्कन वो भी हमें यहाँ पर बनाना होगा. इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल सरफेस एरिया.
सॉल्व करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इन ब्रैकेट r प्लस एच, वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 2.1 और इन ब्रैकेट 2.1 प्लस 4.5, ठीक है, ये हमें इस तरह से मिल गया। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमें मिल जाएगा, दिस इज 44, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 2.1 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल गया 6.6, इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल गया 12/11, ठीक है। यहाँ से 11 से ये 44 कैंसिल हो गया और 7 से 22.1 को कैंसिल करेंगे तो ये हमें मिल गया 0.3। तो इस तरह से क्या मिला, 4 इंटू 0.3 इंटू 6.6 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 95.04 मीटर्स। तो यहाँ से 95.04 हमें मिल रहा है, जो क्वांटिटी स्टील की यहाँ पर यूज़ होने वाली है इस टैंक को बनाने के लिए, तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। तो एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इज 95.04 मीटर्स, ठीक है। इसके बाद हम टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लोथ, द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम, फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। ये लैम्प शेड हमें गिवन है कि इस तरह से है, इसे क्लोथ से कवर करना है, क्लोथ से कवर करना है, दैट मीन्स हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करनी है। ये मान लीजिए कि ये हमें इस तरह से मिल रहा है और यहाँ से इसे क्लोथ से कवर करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, पर साथ ही हमें क्या दिया हुआ है कि 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन रखना है ताकि इस तरह से क्लोथ को ऊपर से अंदर के साइड मोड़ सके और इसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मोड़ सके। तो उस कंडीशन पर अगर रेक्टेंगुलर इस तरह से क्लोथ यूज़ करना है, ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है वो हमें मिल गिवन है, और अगर हम इसकी हाइट देखें, हमें हाइट गिवन है इसका 30 सेंटीमीटर, पर हमें क्या दिया हुआ है कि 2.5 सेंटीमीटर अपर साइड, 2.5 सेंटीमीटर लोअर साइड मार्जिन हमें रखनी है ताकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे इस तरह से मोड़ सके और अपवर्ड डायरेक्शन में मोड़ सके। तो उस कंडीशन पर इसकी हाइट देखिए इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें हाइट क्या मिल जाएगा, हाइट हमें मिल जाएगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, ये अपर साइड के लिए, ये लोअर साइड के लिए, तो ये टोटल कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 20 है, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा इसका, हाफ 10 सेंटीमीटर। तो इसका हम फाइंड करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर पीस है और इसे हमें इस तरह से कवर अप करना है, दैट इज़ नथिंग बट 2πrh कर्व्ड सरफेस एरिया। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई इज 22/7, रेडियस इज 10 एंड हाइट इज 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने इसे गलती से 3.5 लिखा था, तो हमें हाइट मिल रहा है 35। सॉल्व करने से ये हमें मिल रहा है 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इतना लेंथ हमें इतने एरिया का रेक्टेंगुलर पीस चाहिए क्लोथ का, जिससे इस लैम्प शेड को कवर अप किया जा सके। ओके, अब इसके बाद हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें गिवन है, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर
making the decorating pen holders in the shape of cylinder with base. Using cardboard, each pen holder was to be radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard if there were 35 competitors. How much cardboard was required to be bought for the competition? हमें गिवन है कि किसी स्कूल में पेन होल्डर मेकिंग का कंपटीशन है और उसके डायमेंशन हमें गिवन है, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर. अब इस पेन होल्डर को बनाने के लिए टोटल कितने कार्डबोर्ड्स रिक्वायर्ड होंगे हमें फाइंड करने हैं. कितने पेन होल्डर्स बनाने हैं? 35, क्योंकि वन कॉम्पिटिटर वन पेन होल्डर बनाएगा और टोटल कॉम्पिटिटर्स हैं 35. तो 35 पेन होल्डर्स बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड चाहिए हमें ये फाइंड करना है. अब पेन होल्डर बनाना है मींस ये इस तरह से इसका कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होगा और इसका बॉटम का पार्ट हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि अपर साइड हमें मालूम है कि पेन होल्डर ऊपर साइड से ओपन होता है पर बॉटम में कवर अप होता है. तो एरिया हमें क्या मिल जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ वन सर्कल, बॉटम का सर्कल. कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH और इस सर्कल का एरिया हो जाएगा πR². यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया नहीं ले रहे हैं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का पार्ट भी यूज़ होता है, जबकि हमें ऊपर पार्ट का एरिया नहीं चाहिए. तो इसे सॉल्व करेंगे. दिस इज़ 2 × 22/7, रेडियस है 3, हाइट इज 10.5 और इसी तरह से पाई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 22/7, रेडियस इज 3. तो सॉल्व करेंगे तो ये हमें इतना पार्ट सॉल्व करने से ये मिल रहा है 198 और इसे सॉल्व करने से ये हमें मिल रहा है 28.28. दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने से ये मिल जाएगा 226.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर. तो टोटल एरिया हमें मिल गया 226.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन पेन होल्डर को बनाने के लिए इतने कार्डबोर्ड की ज़रूरत है. इतना मतलब जिस स्क्वायर पीस का एरिया इतना होगा उतना हमें ज़रूरत है. हमें गिवन है कि टोटल 35 के लिए कितना चाहिए, तो हम यहाँ से यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं. कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन पेन होल्डर इज 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फॉर 35 पेन होल्डर्स ये हमें मिल जाएगा 226.28 × 35. सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा 7919.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे हम लिख सकते हैं 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 35 पेन होल्डर्स बनाने के लिए 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड्स रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं. तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शेप स्टडी करेंगे, दैट इज राइट सर्कुलर कोन. अभी हमने सिलेंडर एंड क्यूबॉइड स्टडी कर लिया, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कोन के बारे में.